पंचकुला औद्योगिक प्लॉट आवंटन मामले में आज पंचकुला स्थित हरियाणा की विशेष ईडी कोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित 20 आरोपी पेश हुए हैं, जबकि मामले के 2 आरोपी एग्जेम्पशन पर रहे। बता दें कि यहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित 20 आरोपियों को अंतरिम जमानत मिल गई है। बताया जा रहा है कि आरोपियों को 5 लाख के बेल बॉन्ड पर अंतरिम जमानत मिली है। अब मामले की अगली सुनवाई 15 मार्च को होगी। बताते चले कि पिछली सुनवाई के दौरान पंचकुला औद्योगिक प्लॉट आवंटन मामले में नोटिस जारी किया गया था। ये नोटिस पंचकुला सेक्टर 1 स्थित विशेष ईडी के मामलों को देख रही कोर्ट ने जारी किया था। मामले के मुख्य आरोपी पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत 22 लोगों को नोटिस जारी हुआ था। यह ये भी बताते चले कि अभी हाल ही में सीएम ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा व 21 अन्य लोगों के खिलाफ पंचकुला इंडस्ट्रियल प्लॉट आवंटन मामले में चार्जशीट दायर की थी। जी सर, आज जो है इंडस्ट्रियल प्लॉट आवंटन मामले में ईडी की अदालत में सुनवाई हुई है, क्या रहा सुनवाई के दौरान, क्या मामला? आज हमने श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से वह कुछ अन्य जो है इसके अंदर है उनकी तरफ से हमने जो है बेल एप्लीकेशन लगाई थी, रेगुलर बेल एप्लीकेशन सरेंडर करके जी। तो उसमें काफी लंबी चौड़ी बहस के बाद ईडी के जो काउंसिल था उन्होंने रिक्वेस्ट की थी मैं इसमें रिप्लाई फाइल करना चाहता हूँ, उसके बेस पे जो एडजन कर दिया है कोर्ट ने केस जी। और हमारी रिक्वेस्ट पे इन्होंने जो है सभी जो भी इसमें आरोपी हैं उनको सभी को इंटरिम बेल दे दी है 15 मार्च तक जी। तो 15 मार्च को इसमें रिप्लाई फाइल की जाएगी और उसके बाद दोबारा बहस होगी। तो रेगुलर बेल की अगर बात की जाए तो क्या अगली नेक्स्ट डेट पे इस पे बहस होगी? अभी रेगुलर बेस तो जब जवाब आ जाएगा ईडी का उसके बाद वो कंसिडर करके फिर रेगुलर जो है वो बेल के लिए केस कंसिडर किया जाएगा ईडी कोर्ट द्वारा। तो सर कितने प्लॉट थे टोटल जो ये प्लॉट आवंटन मामला था, कितने अक्यूज्ड हैं? 14 के करीब जो है प्लॉट है और उसमें जो बेनिफिशरी हैं वो है और बाकी एम्प्लॉइज हैं। तो सभी पेश हुए थे सर? हाँ, एक दो को छोड़ के सभी पेश हो गए थे, उन्होंने अपनी एग्जेम्पशन लगा दी है, कोई फॉरेन कंट्री में थे एक दो इसमें से, बाकी सभी पेश हुए। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।